Hesia. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे को बोलने दिया। ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने पूरा स्पष्ट से ये बिल के बारे में बोला और आप ही सुशील मोदी जी और हम लोग का प्रशांत नंदा जी भी इसमें इसके ऊपर बोला। चेयरमैन सर, ये भूपेंद्र जी बोलने के बाद ये बिल के ऊपर में चर्चा डेफिनेटली वो आग्रह किया का चर्चा होने के बाद ही पास करेंगे, तो मैं ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इसका समर्थन में खड़ा हूँ और चाहता हूँ कि आप भूपेंद्र जी का नेतृत्व में ये डिपार्टमेंट अच्छा से ये इसको निभाएंगे इन फ्यूचर्स। मैं भूपेंद्र जी का हम लोग कामकाज काम सब देखा, वर्क्स देख रहा हूँ, तो एक बात आ रहा है क्या इनका नेतृत्व में, भूपेंद्र जी का नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है ये पूरा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो लक्ष्य है कार्बन इमिशन नेट जीरो करने का, इसमें लक्ष्य में प्राप्ति हो सकता है, हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भूपेंद्र जी जब काजीरंगा गया था एलिफेंट फेस्टिवल में, उसकी टाइम में हम लोग देखा क्या जो सेंसिटिविटी दिखाया है फॉरेस्ट संरक्षण के लिए, ये बिल उसका एक परिणाम है। वन का संरक्षण और संबंधित जैसा विषय आपने उठाया, इसमें डेफिनेटली हम लोग खुशी जाते थे हैं। लेकिन एक बात आपको बोलना है ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेंद्र जी, जैसे विकास का कारण से आपने इजी भी किया है और इसको रक्षक संरक्षण करने का व्यवस्था भी किया है, लेकिन आप देखा पूरा दुनिया में एक बात देख रहा हूँ, आसाम में भी ऐसा देखने में मिला है, बोलना नहीं चाहिए फिर भी कांग्रेस का टाइम में असम में जितना एनक्रोचमेंट था, मैक्सिमम एनक्रोचमेंट पूरा अभी एविक्शन भी हो रहा है, एनक्रोचमेंट टोटल एनक्रोचमेंट था 3620.78 स्क्वायर किलोमीटर और इसका फॉरेस्ट एरिया 220.19 किलोमीटर एनक्रोच था और इसको अभी हम लोग आसाम गवर्नमेंट ने इसको क्लियर भी किया है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसको पूरा स्ट्रॉन्ग हैंड में किया है, लामडिंग में 14.50, पोबा में 17.50, बुरा सपोरी में 20.99, ऐसे करके कम से कम 60.67 किलोमीटर उसको क्लियर किया। देखा जाता है जो फॉरेस्ट एरिया इसको टारगेट करके चलता है, विकास का मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट को ही टारगेट करके चले और फॉरेस्ट लैंड को ही कोई ग्रैब करने का व्यवस्था कीजिए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सम्मेलन तो आप डेफिनेटली करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सम्मेलन करना चाहिए जहाँ DFO और एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर शामिल है और उसको फॉरेस्ट लैंड में नहीं, उसको टारगेट नहीं करके चलने से अच्छा है। आदमी लोग अभी देख रहा हूँ क्या फॉरेस्ट लैंड ही मांगता है 5-स्टार होटल बनाने के लिए, कोई काजीरंगा आसपास मांगते हैं, कभी ऐसा नहीं करने से अच्छा तो वहाँ का जो आदिवासी लोग है फॉरेस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट आदमी है इसको थोड़ा संरक्षण मिलेगा। ये आपने जो बॉर्डर एरिया का बात बोला है, आसाम में नॉर्थ ईस्ट में भी देख रहा हूँ उसमें जो आसाम इंटरस्टेट बॉर्डर में भी प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो बॉर्डर है उसमें भी प्रॉब्लम है। देखा गया ऑनरेबल मिनिस्टर सर, ये जो उसका पेड़ है इसके काटने के लिए वन माफिया जो है उसको पूरा बेमानी पर लगा हुआ है और हम लोग का गवर्नमेंट आने से पहले सबसे ज़्यादा वन अगर खत्म हुआ है नागालैंड में है या अरुणाचल में, आप देखिए बड़ा बड़ा जो पेड़ है इसको काट के खत्म किया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने हम लोग का मोदी जी आने के बाद इसको थोड़ा टाइट किया हुआ है, क्योंकि जीरो इमिशन नेट जीरो इमिशन 2020 का जो बात हुआ है, NDC का टारगेट जो फुलफिल करने का बात कर रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान गवर्नमेंट दिया है। ऐसे जो जो एरिया पे ग्लोबल वार्मिंग है और जो कटाव है लैंड कटाव है, इसका कुछ अन्य कारण नहीं, आप जानते हैं, आप लोग सब हम लोग का ऑनरेबल मेंबर्स सब जानते हैं, इसका दूसरा कारण है ये ओनली डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। मेरा एक मानना है क्या हम जितना एरिया पे फॉरेस्ट एरिया पे गया वहाँ पर देखा फॉरेस्ट से डिफॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जैसे लगा के पाबंदी लगा के रखा है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन एरिया जो पहले फॉरेस्ट था वो फॉरेस्ट में अभी गाँव बस गया, वहाँ पर क्या होगा उसको भी थोड़ा क्लियर करने से अच्छा है, क्योंकि वो एरिया पे मैक्सिमम एरिया पे अगर घर जलता है तो वहाँ पर हम लोग का जो डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर डिपार्टमेंट से कुछ पैसा देना था तो उसको दे नहीं पाते, वो ज़्यादातर गांव में वो सब जो फॉरेस्ट था पहले वो फॉरेस्ट में गाँव हो गया शहर हो गया और चाय बागान हो गया, ऐसा बहुत एरिया में पूरा इंडिया में भी देख रहा हूँ, वो डिफॉरेस्ट एरिया में क्या होगा उसका थोड़ा स्पष्ट करने से अच्छा था।
मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है, ये बिल को मैं समर्थन करता हूँ और आशा रखता हूँ क्या इसमें जो मैक्सिमम आपने कवर किया और इसको जो विरोधी जो बोल रहा है, जो एगेंस्ट पार्टी हम लोग का अभी तो है नहीं, उन लोग का खाली बाहर में एक प्रचार कर रहा है, इसको शहीद सुशील मोदी जी ठीक बोल रहे हैं कि अब फॉरेस्ट को ख़त्म करने का जो बात हो रहा है, मैं उसको गरिहना देता हूँ। और उन लोग का दिन में सबसे ज़्यादा आसाम और नॉर्थ ईस्ट में अगर डिस्टर्ब हुआ फॉरेस्ट एरिया तो कांग्रेस का दिन में हुआ, और 90% एरिया इज जो संदेश युक्त तो बांग्लादेशी था उसमें एनक्रोच करके उसको अभी भगा रहा है वो बता लगे, लेकिन ज़्यादातर उन लोग एनक्रोच करके रखा था। अभी जो पोबा एरिया माजुली जैसे एरिया में उन लोग घुसा है, पोबा जो जैसा एरिया में घुसा है, बहुत दूर दराज जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बस के इन लोग को जो किया है, गवर्नमेंट तो लैंड कम ले रहे हैं लेकिन आदमी लोग जो बाहर से आया हुआ आदमी लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करें, इसको थोड़ा बचाइए और आप बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं इसको मैं समर्थन करते हुए मेरा वक्तव्य। धन्यवाद कमक चक्राजी मानिस जी से। मानिस ही हिंसे लालचुंगुप्पा।